एक घने जंगल में राजा शेर रहता था और वो बड़ा ही बूढ़ा हो चला था और बहुत दिनों तक भूखा रह जाता था क्योंकि उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिल पाता था। वो शिकार नहीं कर पाता था भाग भाग कर। और कई बार ऐसा होता था कि वो बड़ा भूखा रह जाता था। उसने सोचा, ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। एक दिन उसे एक उपाय आया और उसने सोचा कि मैं किसी को अपना असिस्टेंट रख लेता हूं। और पहला नाम उसके दिमाग में आया लोमड़ी का, क्योंकि लोमड़ी तो होती है बड़ी ही चालाक। उसने लोमड़ी को बुलाया और कहा, सुनो लोमड़ी, तुम आज से मेरी मिनिस्टर रहोगी और सारे जंगल की खबर लाकर मुझे तुम दोगी और मेरे भोजन का इंतजाम भी तुम्हें ही करना होगा। लोमड़ी जो कि थी तो बड़ी ही चालाक, उसे राजा की बात थोड़ी अटपटी लगी, पर वो राजा की बात मान गई क्योंकि मरता क्या ना करता। उसने कहा, राजा ने कहा, ठीक है, तो सबसे पहले ड्यूटी मैं तुम्हें देता हूं कि तुम जाओ और मेरे लिए एक जानवर पकड़ कर ले आओ जिसे मैं खाकर अपना पेट भरूंगा। लोमड़ी ने कहा, ठीक है सरकार, मैं जाती हूं, और वो रास्ते में जाने लगी। फिर उसने सोचा, किसको से एक गधा मिला। देचू करता हुआ। उसने कहा, यही सही जानवर है जिसको वो फंसा सकती है। और वो पहुंच गई गधे के पास। उसने गधे से कहा, गधे ने कहा। पर लोमड़ी तो बड़ी चालाक थी, उसने तुरंत कहा गधे से, पर महाराज आप तो बड़े ही सुंदर हो, बुद्धिमान हो, चतुर हो, आप ही मंत्री बन सकते हो, इसीलिए तो राजा जी ने मुझे भेजा है आपको बुलाने के लिए, चलो। जैसे ही गधे ने अपनी तारीफ सुनी, वो तो बस फिदा हो गया और चल पड़ा लोमड़ी के साथ। जब वो गुफा के पास, राजा के गुफा के पास पहुंचा, शेर राजा के, तो लोमड़ी ने उससे कहा कि अरे गधे महाराज, तुम यहीं करो इंतजार, मैं आता हूं राजा जी को बुलाकर। और वो अंदर गुफे के चला गया। गुफे के अंदर जाकर उसने कहा, सरकार आपका खाना है तैयार, जाओ कर रहा है बाहर इंतजार।
ओह, जैसे ही ऐसा सुना राजा ने, शेर राजा ने, वो फटाफट दौड़ा 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 और गुफा के बाहर पहुंचकर गधे की तरफ लपका। जैसे ही वो झुका ही था, गधा डर गया और भागा 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 भागा, जंगल की दूसरी छोर पर ही पहुंचा। जान बची तो लाखों पाए। इधर राजा गुस्सा हो गया। शेर ने कहा लोमड़ी से, तुम्हारी इतनी मजाल, तुमने मेरे से चाल की। लोमड़ी का, नहीं सरकार, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो ले आई, पर आप ही उसको उसकी तरफ लपकना ही क्यों था सरकार, वो डर गई भाग गई। मैं अब तुम्हें ही खाऊंगा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ऐसा शेर ने कहा। लोमड़ी डर गई, फिर से बेचारी मरती क्या न करती। उसने कहा, सरकार आप घबराइए मत, मैं वापस जाती हूं और उसे पकड़ कर लाती हूं। और वापस वो फिर से चल दी, ढूंढते 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 वापस उसको फिर से गधा मिला और वो गधे से कही, नहीं नहीं मुझे डर लगता है, मैं राजा के पास नहीं जाऊंगा, मैं मंत्री बनने लायक नहीं हूँ। नहीं तुम ऐसा मत कहो, तुम ही मंत्री बनने लायक हो, तुम जरा सोचो, राजा के बाद सबसे ज्यादा कौन शक्तिशाली रहेगा इस जंगल में, मंत्री, तो तुम चलो के साथ चल पड़ा। जब वो गुफा के पास पहुंचे, लेकिन यहां तो इस बार राजा शेर इंतजार कर रहा था पहले से ही, और जैसे ही गधा आया उसने तुरंत ही झपट्टा मारा उसके सिर पर और उसे वहीं धराशायी कर दिया। ओह, लोमड़ी सोची, ये गधा तो मर गया और मुझे बड़ी तेज भूख लगी है और सारी मेहनत तो मैंने की, उसने अपने दिमाग में सोचा, है सारी मेहनत तो की है मैंने और खाएगा ये शेर, ऐसा हो नहीं सकता, पहले तो मैं ही खाऊंगी। उसने तुरंत ही दिमाग लगाया और शेर से कहा, सरकार पहले नहा लीजिए और नहाने के बाद आइए भोजन करिए, बड़ा मजा आएगा, बड़ा स्वादिष्ट लगेगा ये भोजन आपको। शेर को उसकी बात बड़ी पते की लगी, उसने कहा, ठीक है, ऐसी बात है, वो नहाने चला गया। इधर लोमड़ी पहले ही सबसे पहले ही गधे का सिर खाना शुरू कर दिया उसने और सिर को खा लिया। जब शेर वापस आया तो उसने देखा कुछ तो गड़बड़ है, उसने कहा, यहां कोई आया था क्या? लेकिन लोमड़ी ने कहा, नहीं सरकार, यहाँ तो कोई नहीं आया था। नहीं, ये सिर गायब है, कहाँ है? अरे सरकार, सिर को तो आपने ही पंजे से मार के कुचल दिया था। शेर को बात सही लगी, लेकिन थोड़ी देर बाद शेर ने कहा, नहीं पर इसका दिमाग कहाँ है? शेर ने भी उस गधे को खा लिया। अब आप फटाफट बताइए कि इस कहानी को आप क्या शीर्षक दे सकते हैं, अब इस कमेंट बॉक्स में।
आप बताइए कि इस कहानी का नाम क्या हो सकता है, क्योंकि ना मैंने कहानी के शुरू में इस कहानी का नाम नहीं बताया था आप लोगों को। कौन बता रहा है पहले? किसी को नाम पता है? कौन बता सकता है इस स्टोरी का नाम, इस कहानी का नाम? नहीं तो मैं आपको बताती हूं, इस कहानी का नाम है बिना दिमाग का गधा। मजा आया बच्चों? आपको मजा आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और वो जो हॉट वाला सिंबल है ना रेड रेड, उसको भेजिए, है ना? यस। सो अगेन सेकेंड स्टोरी टाइम। हु इज रेडी फॉर दिस स्टोरी टाइम? Okay, so this story is in English now, and the story name is something passport. I think passport. Yes, passport. Again, this story is a jungle story. You like jungle story? Which animal you like most? Comment, please comment. Which animal you like most? So this story is a passcode story, and you will know what is this passcode. Fine. So shall I start the story? Yes. May I know that how many are watching? Hello. Yes. So again, this story is jungle story. Again, in the deep jungle, very deep jungle, there were a family of deer, and other animals' family also were there. Mama deer, daddy deer, and baby deer. Baby deer name was Fawn. Okay, and Fawn has lots of friends: Joey, Bunny, Kitty, and many more friends. They used to go to school together. They used to play together in the evening. Okay, one day, one wolf family came to this jungle to stay with them. And wolf papa, wolf mama, and the child, his name was Pup. So Pup also came. And soon they become very good friends. So all the children, Bunny, Kitten, and Pup, and Fawn, all they used to play together. They used to go to school together. One evening, they were playing together in the park. And once it is dark, they thought to go to home. So, they left for the home. But Bunny once reached home, he observed that no one is there at home. Because Mama Papa left to nearby shop for vegetable shopping. So, Bunny was waiting. He was waiting. And other friends told Bunny, "Bye, Bunny. Bye, Bunny." Pep was also there. Kitten was there. And Fawn was there. They all told bye. Bunny was standing. After some time, Mama Papa came back. Bunny's Mama Papa came back. And they saw that Bunny is not here. They searched a lot in the jungle. They were searching for Bunny, but they couldn't find Bunny anywhere. Someone has kidnapped Bunny. They were very sad. And you know, other friends also, they were very, very sad. Then
Fawn's mama told mother dear, she told Fawn, Fawn, we should take care of ourselves. If suppose I'm not there at home, we should not open the door for anyone. Fawn understood and he told, okay. Because Fawn used to tell everything to mama and papa. Then one day evening, what happened? All friends were playing in Fawn's house. So who was there? Kit was there, Joey was there, Pep was there, and Fawn was there. Because Bunny to only met him. Someone has kidnapped Bunny, so Bunny was not there. They were playing together. And suddenly, Papa Deer was feeling uneasy. Something is there. And he told Mama Deer that we have to go to hospital. Mama Deer told, okay, fine, we'll go to hospital. She told other kids, you go to your home. And she told Fawn, you be at home and don't open the door for anyone. Fawn understood. And then Mama Deer and Papa Deer left for the hospital. As it was evening, and after that little dark happened because night came and Fawn was waiting. It was late, so someone has knocked the door. Knock, 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 knock. Fawn asked, who is there? Who is there? Mr. Wolf, Pop's father. Beta, please open the door. Your mama is calling you. She sent me to pick you to hospital. Oh, my mama has called you? But my mama didn't call me. Beta, her phone is switched off. So she couldn't call you. She called me and she informed me that go and bring phone. But what happened, Uncle? Why? Your papa is very serious. My papa is serious? Huh? Really? Oh, okay, Uncle. But my mama told not to open the door. Open the door, beta. Then only I can take you. Okay, Uncle. I will open the door. And once he was reaching there itself to open the door, he suddenly realized that, oh, Mama has given a passcode. If she will send someone to bring me, so he has to tell the passcode. She asked, okay, Uncle, tell me the passcode. Mama and Daddy came back and Fawn told everything to Mama and Daddy. And then immediately Fawn's mama called to Bear Uncle, who was the police officer of this jungle. And she called, police uncle came and he caught Mr. Wolf. Okay. And then everyone got to know that Wolf Uncle only has kidnapped this Bunny. So kids, what you understood from this story, we should share with our parents, and whatever our parents say, we should follow that.
because we have to, if our parents are there, they will take care of ourselves, okay? But if parents are not here, then you have to take care of yourself. Like Fawn has taken care, right? He took care of himself, right? So you also have to take care in the same way. So just go and ask your mama about the passcode. And don't share this passcode to anyone. Not with your friends, not with your uncle, auntie, anyone. This passcode is only between mama and baby. Yes!